नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले समझना होगा कि जाना कहाँ है, हमें किस मंजिल की तलाश है, हमको जाना कहाँ तक है। सबसे पहले ये समझना होगा, अगर जाने का पता ही नहीं है, लक्ष्य का पता नहीं है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे को समझना होगा कि हमको जाना कहाँ है। दोस्तों, एक बार एक नौजवान लड़का एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचा और स्टेशन पर पहुँच कर टिकट काउंटर पर गया और वहाँ जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा, टिकट दे दो, आपको बात समझ नहीं आ रही है, मुझे टिकट दे दो बस। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि यह शायद थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा कि अरे भाई साहब, आपको कहाँ का टिकट चाहिए, बताइए तो। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना है या नहीं, मुझे टिकट दे दो। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर आ गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब थोड़े देर के बाद ही वहाँ पर एक ट्रेन आ गई। अब सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे, वहाँ लड़का खड़ा था वो लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में। अब बताइए कि वो लड़का आप कहाँ पर पहुँचेगा। हाँ, आप बताइए कि वो लड़का आप कहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ पहुँचेगा जहाँ वाकई में उसे जाना है, या फिर वहाँ पहुँचेगा जहाँ पर वो ट्रेन उसे ले जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वह लड़का वहाँ पहुँचेगा जहाँ वो ट्रेन लेकर जाएगी। अब आप भी अपने आप से पूछ कर देखिए कि आप भी बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त यार को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाले ट्रेन में बैठ जाते हैं और उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? अब ट्रेन में बैठा व्यक्ति चला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर वो भी वहाँ पर उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उसे ये समझ में आता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से आप अपने आप से पूछिएगा कि कई बार आप किसी रास्ते पर निकल लेते हैं, बिना लक्ष्य बनाए निकल लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद आपको यह महसूस होता है कि आपको यह बनना ही नहीं था, आपको तो यह करना ही नहीं था, आप तो किसी और चीज़ के लिए परफेक्ट हैं और आपको तो वो करना था। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में किसी चीज़ को बनने की कोशिश करते हैं जबकि असल में वो आप होते ही नहीं हैं। एक बिना लक्ष्य की यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है और वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज़ खराब होती है जो कभी वापस नहीं आती है, वो है आपका समय। और इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। आप एक लक्ष्य बनाएं कि आपको जाना कहाँ है, आपको कौन सा मंजिल चाहिए। उसके बाद स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढना होगा जो आपको अपने सही लक्ष्य पर पहुँचाएगी। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं, या फिर एक सही लक्ष्य का चुनाव करके अपने जीवन को खुशी खुशी प्रसन्नता से जीना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।